पटवारी अपनी वेतन विसंगतियां को लेकर काफी परेशान हैं। काफी दिनों से मध्य प्रदेश पटवारी संघ के बैनर तले वे धरना भी कर रहे हैं। वहीं एक पटवारी सोहन साहू अब मौन व्रत धारण कर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक उनकी बात पर गौर नहीं किया है। डिंडौरी में मध्य प्रदेश पटवारी संघ के बैनर तले अपने विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे पटवारी ने अब मोर्चा खोल दिया है। शाहपुरा तहसील के पटवारी सोहन साहू अब मौन व्रत धारण कर शुक्रवार से आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि पटवारी 25 दिनों से लगातार हड़ताल कर रहे हैं। उनकी मांग है कि वेतन विसंगतियां में सुधार आए, जिससे वे अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण कर सकें। पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष बलिराम भवेदी ने बताया कि हमारी मांग लगातार चल रही है, लेकिन इनके कान में जू तक नहीं रेंग रही है। अंत में उन्होंने कहा कि सरकार हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा करे। हो गया, क्या हो गया, खत्म हो गया। आज हम 25 वर्ष पूर्ण हो जाने के बावजूद भी शासन प्रशासन द्वारा जो है मूक बहरा बनते हुए अनदेखागिरी किया जा रहा है। आज पूरे प्रदेश में, आज डिंडौरी जिले में आदरणीय सोहन साहू जी ने इस सरकार गूंगी बहरी होने के कारण आज एक साहसी कदम बढ़ाते हुए आमरण अनशन पे बैठे हैं। यह मैं करता हूँ कि इस पटवारी संवर्ग की मांग के हेतु जो अनशन में बैठे हमारे मित्र सोहन साहू जी, इनको जल्द से जल्द हमारी मांग पूरी करें और इनको इस आमरण अनशन से उठा करके अपने घर परिवार में पहुंचाने का कष्ट करें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।